जय माता दी। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे योग आपके लिए लेकर के आए हैं जो नौकरी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। किन ग्रहों की किन अवस्था के अंदर इंसान नौकरी के अंदर अच्छी तरक्की करता है और व्यापार से ज़्यादा ऐसे लोग नौकरी के अंदर सफल है और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, धन की अच्छी बचत भी उनके पास है। कुछ योग लेके आया हूँ, उनके बारे में पूरा बताऊंगा। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। सबसे पहला योग, सूरज और चंद्रमा का मेल। सूरज और चंद्रमा अगर इकट्ठे किसी भी घर के अंदर बैठे हो, खास करके अच्छे घरों के अंदर बैठे हो, और किसी भी तरह से शनि का, राहु का या केतु का इनके साथ संबंध ना हो, यानी शनि राहु केतु इनके साथ ना बैठे हो, या इनके घरों में ना बैठे हो, या इनके ऊपर उनकी दृष्टि ना हो, और सूरज चंद्रमा ठीक घरों में हो, जैसे लगन के अंदर हो, दूसरे घर में हो, तीसरे घर में हो, चौथे घर में, पांचवें घर में या आठवें घर में भी ये ठीक फल दे जाते हैं, क्योंकि सूर्य आठवें घर में अपनी मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ने वाला बनाता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का उपाय करना ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा आठवें घर में अकेला तो अच्छा होता है, दूसरा कोई ग्रह जाके बैठ जाए तो तकलीफें दे जाता है। नौवें घर के अंदर इनका ठीक फल मिलता है। तो अगर ये अच्छे घरों में है, पापी ग्रहों का संबंध नहीं है, तो बहुत अच्छी नौकरी के योग बनते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छी नौकरी में हो सकते हैं, सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, या अगर प्राइवेट नौकरी में भी है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे पैकेज उनके लगे हुए, अच्छी इनकम कमा रहे हैं। एक तो ये योग। दूसरा योग, सूरज और बुध का मेल। सूरज और बुध का मेल हो तो लाल किताब में कहते हैं कलम की नौकरी होगी, यानी कि लिखत पढ़त के काम, हिसाब किताब रखने के काम, या बैंकिंग लाइन के अंदर ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर सूर्य बुध का मेल अच्छे ग्रहों में हो, पापी ग्रहों का संबंध ना हो, जैसे लगन में बैठ जाए, दूसरे में, तीसरे, चौथे, पांचवें घर में या छठे में भी बैठ जाए, लेकिन पांच और लगन के अंदर सूर्य का दुश्मन, खास करके राहु, शुक्र या शनि जाके ना बैठे, तब भी अच्छी नौकरी के योग दे जाते हैं। तो इन घरों के अंदर अगर ठीक ठाक घरों में हो, अच्छे घरों में हो, या ग्यारहवें घर के में भी बैठे हो, इंसान शराब मांस का सेवन करने से परहेज रखे, तो बहुत अच्छी नौकरी के योग देते हैं, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, बैंकिंग लाइन के अंदर अच्छी नौकरी इंसान पा सकता है। तीसरा योग, शुक्र और बुध का मेल। शुक्र और बुध का मेल भी अच्छी नौकरी दिलाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइवेट नौकरी इंसान करे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है आजकल के कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रख लेती है और उनको सैलरी देती है, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट नौकरी भी नहीं मानी जाती, लेकिन पैसा सरकार से आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं, या उनको आधी सरकारी नौकरी भी बोला जाता है। तो इस तरह के योग बनते हैं जिसमें वो अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर शुक्र और बुध भी अच्छे घरों में, अपने पक्के घर के अंदर बैठे हो या दूसरे घर के अंदर बैठे हो, तो या फिर ग्यारहवें घर में भी बैठ जाए, दसवें घर में भी बैठ जाए, तो अच्छी नौकरी के योग ऐसे में भी बनते हैं। अगला योग, चंद्रमा पांचवें घर में हो तब भी नौकरी के अंदर इंसान जाए, अच्छी तरक्की देगा। चंद्रमा सातवें घर में जाए तो कहते हैं नौकरी के अंदर ही अच्छा धन होगा, और माँ लक्ष्मी का अवतार माना गया है सातवें घर के चंद्रमा को, नौकरी के अंदर अच्छी जरूरतें भी इंसान की पूरी होती रहेगी। छठा घर, जो कि खुद नौकरी का माना गया है, इसके अंदर अच्छा ग्रह बैठा हो, इसका संबंध दसवें के साथ हो जाए, और सातवें ग्यारहवां घर भी लग जाए या धन भाव लग जाए, फिर तो नौकरी के अंदर बहुत अच्छा धन भी आता है। तो ये तो ऐसे कुछ खास योग जो नौकरी के अंदर अच्छी तरक्की देते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये योग नहीं है और नौकरी में परेशानियाँ आ रही है, तो क्या उपाय करें? छठे घर को बैलेंस करना जरूरी है। सबसे पहले छठा घर देखो, इसके अंदर कौन सा ग्रह बैठा है, उसका संबंध किसके साथ है पहले को, तो उसको अच्छा करो। अगर कोई खराब बैठा है उसको वहाँ से हटाना जरूरी है, वो कुंडली देख के पता चलेगा। अगर आपके पास जन्म तारीख भी नहीं है तो क्या उपाय कर सकते हो? मात्र 27 दिन या 43 दिन लगातार 60 ग्राम दूध किसी कुएं में गिराए, चलते हुए कुएं में, अगर कुआं नहीं मिलता तो किसी हैंडपम्प के अंदर आप इसको गिरा सकते हो। मात्र ये उपाय करो, नौकरी के अच्छे योग बनेंगे। इसी तरह से हम और भी विषय आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।